हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बियर क्राफ्टिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीक्वेंस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल सीक्वेंस ब्लाउज बहुत ही ज्यादा फैशन में है और ज्यादातर से इसे लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं या फिर मार्केट से या फिर बुटीक से इसे ले रहे हैं, क्योंकि शायद इसे सिलने में लोगों को परेशानी हो रही है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप सीक्वेंस के कपड़े को घर पे ही कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का हमारे पास सीक्वेंस का फैब्रिक है और ये एक हमने साड़ी खरीदी है उसका ब्लाउज पीस है। तो इसे आज हम अपने घर पे ही तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग और कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अपनी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से कपड़े को हमने बराबर कर लिया है नीचे से। अब अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ हमें चाहिए 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए, तो 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया लेंथ का। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, 5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे 1 इंच पे। गले की तरफ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की गहराई हम 6.5 इंच रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने गले का निशान लगा लिया, आर्म होल का भी निशान लगा लिया। अब इधर से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा है 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल हमने कपड़े को बराबर ही फोल्ड किया है। नीचे की तरफ हम बराबर ही लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम जो कमर में कम लेते हैं वो हमारे यहाँ पे टक्स में चला जाएगा, तो ये ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको रख के हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। यहां हम टक्स का निशान लगा लेंगे। देखिए, अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को एक कपड़े के ऊपर रखा है। यहाँ भी कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और सेम हमें फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बस ये जो गले की गहराई है वो बैक पार्ट में हमें ज्यादा रखनी है और इसमें हमने कम रखा है। नीचे की तरफ से पहले हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहां से ऊपर की तरफ हम तिरछा निशान लगाएंगे गले की तरफ से। तो हमने यहां पे निशान लगा लिया, इसको हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं, वी शेप में हमने गले को कट किया है और यहां पे हमें डिजाइन बनानी है। तो चलिए, अब मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट की लाइनिंग कट कर ली है। अब हम इसे उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे आर्म होल पे और गले की तरफ
और फिर सीधे साइड पलट लेंगे, यानी कि हमें अलग से सिलाई नहीं लगानी आर्मोर की और गले की फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमने लाइनिंग को भी कट कर लिया था फैब्रिक को रख करके, और इस तरीके से फिर हमने एक दूसरे को अटैच किया, शोल्डर अटैच किया दोनों, और फिर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं उरेप पट्टी लगा करके यहाँ पे आर्मोर की फिनिशिंग लगाई है और गले की भी। तो ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पे इसको मैंने पिनअप किया हुआ है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और आपको समझ में आए, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से हमने गले की और आर्मोर की फिनिशिंग लगा ली है। अब ये नीचे की तरफ से जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब हम वी शेप यहाँ पे वी शेप बनाएंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा होके लंबा हो जाएगा, हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सिलाई लगाने के बाद आप कपड़े को बराबर कर लें और उसके बाद इसको इस तरीके से बराबर करके निशान लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लें। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बराबर कर लिया है। अब बराबर करने के बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी काट रखी है स्ट्रेट पट्टी, इससे हम नीचे की फिनिशिंग लगा लेंगे। सीधे साइड से रखेंगे, फिर उल्टे साइड पर लट करके फिर हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको फिनिश कर लेंगे पूरे राउंड में ब्लाउज के। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद लाइनिंग कट किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे उरेप पट्टी लगा करके गले की और आर्महोल की फिनिशिंग लगा ली है ऊपर की तरफ से, ताकि ये जो हमारा यहाँ पे ये जो सितारे लगे हुएंगे ये चुभे ना। अब आप देख सकते हैं ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, तो ये बैकलेस ब्लाउज है जिसमें कि हम डिजाइन बनाने वाले हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट में यहाँ पे कप अटैच कर लिया है। अब ये ब्लाउज का बैक पार्ट है हमारा इस तरीके से। तो बैक पार्ट में हमने गले की जो कटिंग वी शेप में की थी आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग करने के बाद ये बिल्कुल वी शेप में आ रहा है। अब हमें यहाँ नीचे की तरफ डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक बैंगल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा बैंगल है जिसके नीचे की तरफ लटकन लगी हुई है और ऊपर की तरफ भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोन लगाए हुए हैं, जो कि ब्लाउज का लुक बढ़ा देगा। तो लटकन को हम यहाँ नीचे की तरफ, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, ये जो बैंगल है इसको हमें यहाँ पे अटैच करना होगा और ये जो लटकन है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। आपके पास जो भी बैंगल हो मैच करता हुआ आप यूज कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से और फिर इसको इस तरीके से हम पहले पिन से पिनअप कर लेंगे और उसके बाद इसकी सिलाई लगाकर हम इसको फिनिश कर लेंगे। आप चाहे तो लुक भी लगा के इसे अटैच कर सकती हैं, इससे पूरा बैंगल का लुक आएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे की तरफ हमने बैंगल को अटैच कर लिया, साइड में सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं बैक पार्ट बन करके तैयार है और इसे पहनने के बाद ही इसका लुक आएगा। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी बन गया है। ब्लाउज को हमने फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा ली है। सामने की तरफ हम हुक और आई बना के ब्लाउज को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा डिजाइनर ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिजाइनर ब्लाउज बन करके तैयार है और कितना खूबसूरत डिजाइन बन के आया है ये। तो इस तरीके से आप घर पे भी सिक्वेंस ब्लाउज आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।